नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव करीब आ गए हैं और अब राजनेता भी सड़कों पर उतर आए हैं, मंचों पर उतर आए हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, चालू हो चुका है। लगातार अपनी विपक्षी दलों पर निशाना साधने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल भी मैदान पर उतर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान पर है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए सही है। दिल्ली की गद्दी संभालने के लिए उसका नाम सामने आ गया है, या फिर दिल्ली विधानसभा पर कौन राज करेगा, कौन दिल्ली को अब संभालेगा, अभी इस उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस वक्त अपनी उपलब्धियां गिनवाना शुरू कर दिया है और उन्होंने बताया है कि दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व में सबसे बेहतर मानी जा रही हैं। इस वक्त जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करवाई हैं वह बहुत ही बेहतर मानी जा रही हैं और मोहल्लों में, पौश इलाकों में क्लिनिक भी खोले गए हैं। हम देखेंगे कि फरिश्ता योजना के तहत सड़क हादसों में घायल, कह रहे हैं, हमने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई हैं और इस पर भी वे काम कर रहे हैं। 98% इलाकों में पानी पहुंचा दिया गया है, पानी की आपूर्ति हो गई और कहा है पराली की फसल को लेकर भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे प्रदूषण पर रोक लगाई जा रही है, अरविंद केजरीवाल का कहना है। और वह अपनी लगातार उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। ऑडविन को भी उन्होंने बताया कि प्रदूषण के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ, जिससे प्रदूषण कम हुआ, ट्रकों की आवाजाही कम करवा दी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार उनको निशाने पर भी लिया जाता रहा है, उनके नेताओं ने ही निशाने पर लिया है, उनके नेता भी बागी हो गए हैं, उनके विधायक भी बागी हो गए हैं। एक समय पर उन पर यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि वह खुद सही स्थानों पर तोड़ाई करवा करके उन्हें वापस सही करवाते हैं और अपनी उपलब्धि के रूप में गिरवाते हैं। इस तरह के आरोप भी आए थे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को के ऊपर। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मनोज तिवारी के संबंध में आपको क्या कहना है, हम आपको बता दें कि मनोज तिवारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के अध्यक्ष हैं और कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री रूप पद के रूप में, उम्मीदवार के रूप में दिल्ली में उतारना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बाद में यह बातें खारिज कर दी गई। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि मनोज तिवारी के संबंध में आपका क्या कहना है, क्या वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वह आपको किसी प्रकार की चुनौती देंगे, तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने उसके राजनीतिक जीवन पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि वे गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, वे अच्छे गीत गाते हैं मनोज तिवारी। तो लगता है अरविंद केजरीवाल अभी भी मनोज तिवारी को सिर्फ एक गायक के रूप में ही देखते हैं, उनकी भूमिका एक गायक के रूप में ही है। अरविंद केजरीवाल के मन में उन्हें राजनीतिक विरोधी नहीं मानते हैं, ना ही यह मानते हैं कि वह उन्हें राजनीतिक टक्कर देंगे। इससे पहले जब किरण बेदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, किरण बेदी हम यह कहेंगे किरण बेदी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तब उनसे पूछा गया कि किरण बेदी क्या आपको टक्कर दे पाएंगी, तब भी उन्होंने हंसते हुए यही जवाब दिया था कि वह बेदाग हैं, फ्रेशर हैं और वह भरपूर टक्कर शायद दे पाएंगी। उनकी हंसी ने सारे राज खोल दिए थे कि वह संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं और उन्हें किरण बेदी से कोई भी खतरा नहीं है। तो इस बार भी मनोज तिवारी को लेकर की इसी तरह की प्रक्रिया है अरविंद केजरीवाल की, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे गीत गाते हैं, तो शायद इस बार भी उन्हें उम्मीद है कि वह संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर कहीं अलग थलग कर देंगे। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किस तरह के काम किए हैं, क्या उनके कार्य लाभदायक हैं, दिल्ली के लिए हित में रहे हैं वहाँ की जनता के लिए, और क्या वह दोबारा सरकार बना पाएंगे, क्या दिल्ली की जनता उन्हें पसंद कर रही है। शेयर आप हम इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं और अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मेल द्वारा दे सकते हैं, और प्रोग्राम को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।